पेट आ रहा होगा बड़े बड़े, लेकिन बात करेंगे भूखमरी की। कपड़े अच्छे डाल रखे होंगे, बात करेंगे बेरोजगारी की। ठीक है, तो मैंने बहुत जनों को ऐसे देखा, क्या नाम है, काम धाम सब कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, लेकिन बात एक एजेंडे के तहत है ना, घुमाएंगे जनता को, गुमराह करेंगे मीडिया पे आकर के कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, महंगाई हो रही है। तो अब जैसे कि भाई जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है, पब्लिक का रिएक्शन है, पब्लिक ने कुछ चीजें बोली हैं और यहाँ पर जो वीडियो लेकर आया हूँ वो न्यूज व्यूज यूट्यूब चैनल से लेकर आया हूँ और वीडियो बहुत ही मजेदार है, बहुत ही बढ़िया डिस्कशन है। दो पार्टी के जो समर्थक है उनके बीच में ये डिस्कशन है। ये एक भाई है जो कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार में जो बेरोजगारी है बहुत बढ़ गई है, तो उसको जो जवाब दिया है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अंधभक्त हैं और जो करंट सरकार के जो समर्थक हैं उनको अंधभक्त के नाम से भी बुलाया जाता है। तो अब यहां पर देखते हैं कि कौन है जो तर्क पूरे लॉजिक के बेस पे जो है वो अपने पॉइंट रख रहा है, सारी बात यहां पर जानेंगे। और वीडियो आप पूरा जरूर देखिए, वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू भी बताऊंगा इस वीडियो के बारे में, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो जरूर कर लीजिए। देखते हैं ये वीडियो। आप मुझे इतना बता दीजिए कि जहां पे बीजेपी सरकार रहती है वहां पे दंगे क्यों होते हैं? अच्छा, यानी जहां पे बीजेपी रहती है वहां पे दंगे होते हैं? तो बिहार में नीतीश कुमार है वहां पे पत्थरबाजी हो रही है, दुर्गा का जुलूस निकालते हैं, पत्थरबाजी हो जाती है, वहां पे क्यों दंगे हो रहे हैं? गोधरा में दंगे नहीं हुए थे महाराज? अच्छा, गोधरा के दंगे भूल गए आप? उस टाइम में सरकार किसकी थी? गोधरा में सरकार किसकी थी मुझे बताइए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी उस टाइम। और क्या हुआ था वहाँ? क्या हुआ था तुम ही बताओ, क्या हुआ था वहाँ पे? मुस्लिमों को मारा पीटा गया था बहुत बुरी तरीके से, और हिंदू और मुस्लिम में बहुत बड़े राइट्स हुए थे। अच्छा, ठीक है सर। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, मारा क्यों था वहाँ? दंगे हुए थे। क्यों क्यों हुए थे? कारण पता है? रिलीजियसली दंगे हुए थे। अच्छा, कारण नहीं पता भैया? ये वही है राहुल गांधी को जैसे स्क्रिप्ट लिख के दे दो, आके बड़बड़ बड़बड़ करके चला जाता है, वही तरीके से इनको इनको ये नहीं पता कि भैया जो हमारे कार सेवक थे ना, गोधरा गाड़ी में बैठ के आ रहे थे गोधरा से, उनको जला दिया गया था मुसलमानों द्वारा, तो उसी के रिटेलिएशन में ये दंगा हुआ था। तो पहले पढ़ क्या और ये बात कर। बीजेपी दंगे वही होते हैं भैया? दंगे सबसे ज्यादा इनके दिमाग में होते हैं। किसी जियादी के बाप के अंदर दम हो ना तो जाके यूपी में दंगा कर दे। मणिपुर में ये बोल रहे दंगा हुआ, मणिपुर का इतिहास पता है इनको? मणिपुर का इतिहास पता है? मणिपुर का इतिहास पता है? क्यों दंगे हुए पूछो? मणिपुर में क्यों नहीं बोलते हो? अरे एक मणिपुरी रट लिया क्या तुमने? राजस्थान है, बाकी और भी है, जो घटना है उन पे नहीं बोलते? मेन जो घटना हुई आप बता दी, राजस्थान में किसी बेटी को नंगा करके घुमाया गया था क्या? बताइए ना। कुएं डाल दिया गया, कुएं कोले की भट्टी में डाल दिया गया था एक बच्ची से रेप करके। भैया कर्नाटक में अभी एक महिला को नग्न करके घुमाया गया, पता है तुम्हें? पता है? तो पहले मणिपुर राहुल गांधी ने नहीं बताया? उसके बाद बंगाल में बीजेपी की दो कार्यकर्ताओं को नंगा करके घुमाया गया, पूछो पता है? मुझे ये बताइए कि इनकी सरकार है वहाँ पे कि नहीं है, बता दीजिए। पता चलता है क्या इनकी सरकार है कि नहीं है वहाँ पे? में कांग्रेस है, कमी क्या रही? रोजगार बताइए, रोजगार कितना मिला है? आप भी बेरोजगार हैं? जी बेरोजगार हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की है? हाँ, कहाँ तक पढ़ाई की? ग्रेजुएशन कम्प्लीट है मेरी। हाँ, कितने फॉर्म भरे? हाँ, कितने फॉर्म भरे? अभी SSC का फॉर्म भर के आ रहा हूँ। अच्छा, बीए करके क्या चाहते हैं, कौन सी जॉब चाहते हैं कि बीए करके वो जॉब? अरे भाई सरकारी जॉब छोड़ो, प्राइवेट जॉब भी मिल जाए। अच्छा, मैं इनको 15,000 की नौकरी दिलवाऊंगा, करोगे? भाई हम वो भी करने को तैयार है, हम वो भी करने को तैयार है, दिलवाऊंगा। और बाद में ये मत बोलना भैया ये क्यों दे रहे हो मुझे बैठा के कुर्सी पे, कैश गिनना है। देख लो सर, अभी मेरे साथ चलना, अभी मेरे साथ चलेंगे ये नीचे इसी मार्केट में। हाँ। नीचे वैकेंसी खाली है, एक दुकान पे एक बंदा चाहिए, मैं तुम्हें वहाँ पे लगवा दूंगा। ठीक है, अब टेंशन मत लो, अब तो खुश हो ना? खुश, ये राम मोदी की देन की रोजगार मिल गया खड़े खड़े यहाँ। वो कितने दिन रहेगा आप मुझे बता दो? जब तक आप ईमानदारी से काम करोगे, ईमानदारी से। अब इनको चाहिए राहुल गांधी की तरह सोने का चम्मच लेके पैदा हो जाओ तो भैया वो नहीं होने वाला। अब इनको इनके लिए रोजगार क्या है पता है? 10वीं पास कर लिया, मस्त जाके रेलवे में लोको पायलट बन गया। तो भैया आज वो जमाना नहीं है, मेहनत करोगे जब पढ़ोगे लिखोगे तभी रोजगार मिलेगा। तो चमचा की भाई साहब, रेलवे सरकारी बच्ची कितनी है मुझे ये बता दो ना आप, रेलवे सरकारी बच्ची कितनी है? मांग क्यों रहे हो? बच्ची नहीं है तो मांग क्यों रहे हो? बता मेरे को किया हुआ है भाई साहब, मुझे भूख भी नहीं है और रोटी भी पूरी खानी है, ये तो वो बात हो गई। इनको पता है अगर सर जैसे सोनिया गांधी ने कहा राम मन राम है ही नहीं, राम का अस्तित्व क्या है? राम फिर कह रही है मैं न्योता नहीं आया। जब राम है ही नहीं तो उधर देखने के लिए न्योता क्यों मांग रहे हो? और जब तुम्हें पता है सरकारी नौकरी है ही नहीं तो फिर क्यों मांग रहे हो? करो बेलदारी, करो कहीं पे मजदूरी करो, 800 रुपए महीना है, 800 रुपए रोज का कमाओ करके बेलदारी करे। कह रहे बीए किया हुआ है, बीए किया है, सर्च करे। और बताता हूँ आज का स्टार्टअप इंडिया बहुत हाईलाइट हो रखा है, उस स्टार्टअप इंडियन भाई को नहीं पता होगा क्योंकि
इन्होंने बीए तो कर ली, एमए भी कर ली, लेकिन समझ की कमी है। ज्ञानी अज्ञानी का फर्क है। स्टार्टअप करो, जैसे हम रेडी पे पीते थे कंचे वाली बोतल आती थी, आज उसी को किसी ने अरोड़ा का टैग दिया, किसी ने वर्मा का दिया, प्लास्टिक की बोतल में डाली, 10 रुपए की करके करोड़ोपति बन गया। पहले हम जाते थे रात को 3 बजे, भूख लगी, दोस्त सोचते थे, आज जेप्टो नाम के एक बंदे ने संस्था बनाई, एक कंपनी बनाई, उसको खोला रात को 3 बजे, भी अपने घर चिप्स चाहिए, माचिस चाहिए, कुछ चाहिए मंगाओ, वो करोड़ोपति हो गई। ऐसे ही आप लाहौरी जीरा नाम सुनिए, वो नाम बोल रहे हो जो सबको पता है, लाहौरी जीरा, अरोड़ा लेमन, जेप्टो, फर्स्ट क्राई, ऐसी चीज है। ऐसा कुछ सोचो कि आपको लग रहा है मैंने बीएमए कर लिया अब मुझे सैलरी तो चाहिए पीएम मोदी से भी ज्यादा, वो 2.5 लाख कमा रहा है, मुझे 3.5 लाख वाली चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। आप अपना स्टार्टअप करो। अच्छा, इसके अंदर भी एक चीज और है, इसमें यूनिकॉर्न का भी टैग मिलता है। यूनिकॉर्न किसको मिलता है? जो 8200 करोड़ की टर्न ओवर कर देता है। और ऐसी 90,000 आवेदन गए थे, कंपनियां बनी है जिसके अंदर से 109 कंपनियों को यूनिकॉर्न का टैग मिला है। अब वो युवा देखो आज करोड़पति बन गए। लाहौरी वाले दो दोस्त थे आपके मेरे जैसे, ऐसे ही कहते रोजगार नहीं रोजगार नहीं है, उसने कहा ये मसाला है, ये डाला अगर उसमें डाले क्या नहीं हो सकता। आज देख लो 6500 करोड़ से ऊपर की कंपनी है उनकी। तो विचार जो है ना, सरकारी नौकरी की तरफ मत भागो कि मेरे को सरकारी चाहिए। 140 करोड़ में मोदी किस किस को आकर के देगा, पहली बात। दूसरी, कभी तो मुझे आप बता दीजिए जो मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया है, उनने मेरे पे खर्चा किया है, उनने ये सोचा है कि कल को मेरा बेटा अगर सरकारी नौकरी करता है तो हमारी इज्जत बढ़ेगी, एक रुतबा बढ़ेगा। उसके अलावा सुनिए मेरी बात, सबकी मानसिकता होती है, मेरी अपनी मानसिकता नहीं है, बिहार ले लो, यूपी ले लो, हर जगह पे सबकी अपनी मानसिकता होती है। अगर मैंने कोई गलत बात बोली हो तो बताइए, मैं आपको बताता हूँ। एक बात बताइए, तुमने बीए किया हुआ है, टाटा और बाटा का नाम सुना है? एक सवाल मैं पूछता हूँ, इनको जवाब दे रहा हूँ। टाटा और बाटा का नाम सुना है? सुना है, सुना है। टाटा क्या काम करता है? लोहे का। और बाटा क्या काम करता है? चप्पल जूते का, चमड़े का काम करता है। अब लोग कहे अहे मैं कोई मोची वाला काम करूंगा, चमड़े की चप्पलें बनाऊंगा। अगर वो ये सोचता ना कि मैं चप्पल का नीचा काम कर रहा हूँ तो आज वो बाटा ना होता, दूर दराज तक छाया ना होता मेरे भाई। और तुम्हारी तरह अगर वो विचारधारा रखता कि मैं इतना वेल एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो सरकारी नौकरी चाहिए, तभी मेरे खानदान में मेरी वाहवाही होगी, तो आज वो रतन टाटा टाटा ना होता, अंबानी अंबानी ना होता, अडानी अडानी ना होता, वो आज किसी सरकारी कर्मचारी बन करके बैठे होते। तो अपने एम को ऊपर ले जाओ, ये मत सोचो कि सरकारी नौकरी करूँगा चाहे नीचे तक ही मिल जाए। मेरे भाई जिस हिसाब से हमारे तरक्की कर रहे हैं ना, आज से पहले हमारे घरों वालों के पास गाड़ियाँ नहीं थी, साइकिल भी पिताजी के पास होती थी, हम वेट करते थे कब काम से आएंगे और हम वो लेकर के जाएं। टीवी नहीं होते थे, पड़ोसी के घर देखते थे। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। उसी तरीके से आज के टाइम से तुम्हारे आने वाली पीढ़ी, जब तुम्हारे बच्चे होंगे, महंगाई और ऊपर होगी, तो तुम क्या सोचते हो उस सरकारी नौकरी के अंदर 20-25 हज़ार की तुम्हारी स्टार्टिंग लगेगी, उसी पे निर्भर रहोगे। और फिर मोदी जैसे नेता को गाली दोगे कि हमारी सैलरी, सरकारी जो हमारी सैलरी है वो नहीं बढ़ाता, आज की महंगाई के हिसाब से हमारा 25 हज़ार नहीं 50 लाख रुपये होना चाहिए था, 50 हज़ार रुपये होना चाहिए था। नहीं, अपनी सोच को बदलो। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो उसके पीछे मत भागो, प्राइवेट जॉब्स बहुत हैं, अगर भागोगे जरूर मिलेगी। मेरी उम्र 34 साल है, मेरे को नौकरी अगर मिल सकती है, तुम तो एमए बीए पढ़े हो भाई, मैं 12वीं पास हूँ और बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। अब इसमें भगवान का हाथ मान लो या मेरी मेहनत कर लो, भगवान नहीं कहता, कहते हैं भोलेनाथ के शिवलिंग पे हम दूध चढ़ाते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। रिक्शे वाला अपना खून चढ़ा सकता है सिर फाड़ फाड़ के, उसका सपना नहीं है कि मेरे बच्चे भी गाड़ी में घूमे, मेरे बच्चे भी अच्छे मकान में जिए, मेरे बच्चे भी अच्छी लग जिए। भगवान कुछ नहीं करेगा, हमारे कर्म हमारी मेहनत करेगी। मोदी जी से आज जो लोग चिढ़ते हैं उनको कभी मोदी जी के गहराई में जाना चाहिए। वो जब घर छोड़ा उन्होंने, टाट चाय के कप झूठे बर्तन सब उन्होंने उठाए, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि उनका सपना ऐसा होगा कि भारत की जनता उनको इतने सर्वोच्च पद पर बिठाएगी। तो उनकी मेहनत, उनकी भागदौड़, युवाओं को, लोगों को जागरूक करने की इच्छा ने उनको आज प्रधानमंत्री बनाया। उन्हीं के कार्यकाल के अंदर आज भी जमीन से जुड़ा बंदा मुख्यमंत्रियों के पद पर बैठा है। उन्होंने नहीं देखा कि शिवराज सिंह चौहान 3 टाइम का मुख्यमंत्री है, इसको हटाऊंगा तो मेरी सत्ता जा सकती है, 2024 में मुझे नुकसान हो सकता है। नहीं, जो काबिल था उसको बिठाया, वसुंधरा राजे उसको हटाया और एक आम आदमी को वहां पर मुख्यमंत्री का पद दिया। तो उनको पता है जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप कार्य नहीं करोगे और कोसोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी वैकेंसी निकल जाती PhD के अंदर, तो क्या आप अपने पिताजी को कोसते कि भैया अगर पिताजी ने एमए पढ़ाया PhD पढ़ा देते तो आज मैं सरकारी के उस सम्मान पे बैठा था? नहीं ना। तो आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार जॉब ढूंढो, आपको जरूर मिलेगी। जब हमारे जैसों को मिल सकती है जिन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं करी, आप तो बहुत ऊपर हो हमारे से। कोशिश तो करो सर, कोशिश ना करके खाली सरकारों को दोष देना काबिल तारीफ नहीं। भाई है। भाई ने कहा कि कोशिश नहीं करते, भाई मैं आपको बताऊं चप्पलें घिस गई कोशिश करते करते, अभी कुछ में आ गए। हाँ, जूतों में तो आना ही पड़ा।
और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कल के ही दिन बता दूं आपको, एक इंटरव्यू पे गया था, अभी तक जवाब नहीं आया उन लोगों का। एक सवाल और पूछ लेता हूँ, बिहार से आप आए हैं तो बिहार सरकार का भी तो कुछ हक बैठता है कि वो भी नौकरी दे, लेकिन नौकरी आप केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। ये है राज्य सरकार से नौकरी नहीं मांगेंगे आप लोग, राज्य सरकार का कोई हक नहीं है नौकरी देने का। जब सबको पता है कि राज्य सरकार कैसी है, कितनी गिरी हुई है, सबको पता है, सब जानते हैं, मैंने नहीं बोला, सब जानते हैं। तो हम इनके पास नहीं जाएंगे, केंद्र सरकार के पास, किसके पास जाए उसके बाद। केंद्र सरकार सबको नौकरी दे दे, मुझे आप माइक पे बोल रहे हो ना कि कौन जरूरी है और किसके पास हमें जाना है नौकरी देने के लिए। जब आप ये चीज अपने राज्य के लिए सोच लोगे ना कि हमारे राज्य के लिए भी कौन ही अच्छा बंदा है, कौन अच्छा नेता है जो हमारा भविष्य देखेगा, अपना नहीं। आज लालू प्रसाद यादव जी का मकान देखे हैं, उनके बच्चों के मकान देखे हैं। तुम बिहार के लोग आज भी वहीं रह गए और ऐसे नेता गद्दारी करके राजभोग पा रहे हैं। आज नीतीश कुमार का राजभोग देख लो कहां पहुंच गया, लेकिन बिहार की जनता जो IPS देती है भारत को, वो जनता आज भी नीचे है। क्यों? अज्ञानता। इससे बाहर आओ, ये सोचो। आज हमें समझ आ गया कि मोदी हमारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये विपक्षी हमारे लिए कितना रोग है, नासूर है, छोटी चोट हो ना। भाई मैंने तो कहना, मैं क्या ही जो है ना, मोटे पेट आ रहा होगा बड़े बड़े, लेकिन बात करेंगे वो भूख मरेगी। कपड़े अच्छे डाल रखे होंगे, बात करेंगे बेरोजगारी की, ठीक है। तो मैंने बहुत जनों को ऐसे देखा, क्या नाम है, काम धाम सब कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, लेकिन बात एक एजेंडे के तहत है ना, घुमाएंगे जनता को, गुमराह करेंगे मीडिया पे आकर के कि बेरोजगारी है, महंगाई हो रही है। तो अब जैसे कि भाई बिहार से आ रहे हैं और नौकरी की कहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे कहाँ हैं, यहाँ दिल्ली से। अरे भाई बिहार है तो बिहार की सरकार से मांगो ना। तो आप एक एजेंडे के तहत क्यों घूम रहे हो यहाँ पर, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो, ये बताओ भाई। मैं और क्या भाई, गुमराह करने का इनके बहुत, मैंने बहुत सुना, पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, मैं MA कर रखी है, BA कर रखी है, BA कर रखी है, जब उनसे सवाल करते हैं, मांगो जिनसे मांगना चाहिए, जो देखे सहन नहीं सुनाते, मांगो उनसे जिनसे मतलब देखे सहन नहीं सुनाते है। वो कौन है देखे सहन नहीं सुनाते है, पता है कौन है? देखे जो होता है सहन नहीं सुनाता है, वो कौन है? ऊपर वाला होता है ना। तो ऊपर वाले के आगे दुआ करो पे मेरी मेहनत रंग लाए, मोदी के आगे सामने आके ना आपकी मेहनत रंग नहीं लाएगी, रंग लाएगी भगवान के आगे आपका सिर झुकाना पहले, ठीक है, तब आपको मेहनत का फल मिलेगा। बिहार का जो सत्यानाश किया है, मैं बताता कैसे हो, 22 शुगर मिल थे, सारे बेच के खा गए, समझे ना। रोहतास पेपर डालमिया ग्रुप था, वो बेच के खा गए। वहाँ पे ITC मुंगेर में थी, वो बेच के खाने की तैयारी, वो भी अंडर प्राइवेट में आ गई। तो इन्होंने क्या किया वहाँ पे, सारे बेच बेच के खा के सारे बिहारी भाइयों को यहाँ बेच दिया। मेहनती है बेचारे, मेहनत करते हैं, बाहर जाके कर रहे, मगर कभी भी अपनी जात बिरादरी को ही वोट देंगे ये लोग, तो उनमें से ही ये लोग हैं। तो आगे मांगेंगे, दूसरे स्टेट से मांगेंगे, तो वो होना चाहिए कि अपने वहाँ पे एक पार्टी मजबूत करे, काम इंडस्ट्री डेवलपमेंट करे, वो नहीं करेंगे। वहाँ के यहाँ के नारे लगा लेंगे, वहाँ जाके नारे, बिहार में कोई नहीं बोलेगा। सर बिहार में गया हूँ, एक भी आदमी। सर मैं आपसे एक बात पूछूँ, सीधी सी बात बोलूँगा कि सर प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, सब लोगों के हैं, और अगर मैंने अपने प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछ लिया कि रोजगार कब मिलेगा, तो ये क्या मैंने गलत पूछ लिया? क्या मेरा अधिकार नहीं है? ये क्या मेरा अधिकार नहीं है, बताइए ना, क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? फिर इंटरव्यू पास करो ना, अधिकार है, इंटरव्यू पास नहीं हो रहा तुम पे, अभी तो रोजगार मांग रहे हो तुम, बेच के खा रहे थे, इंटरव्यू तुम पे पास नहीं हो रहा, रोजगार मांग रहे हो, अगर तुम्हें काबिलियत होती तुम यहाँ थोड़ा खड़े रहते, वो नहीं बोलेंगे कि मैं इंटरव्यू पास नहीं कर पा रहा हूँ। वही ना, BA कैसे करी वो जानते हैं, अगर ऐसे ऐसे आदमी देखे, इंटरव्यू पास नहीं हो पा रहा। अंदर की जो कमी होती ना, वो बंदा नहीं देखता, जो बाहर देखता है नौकरी नहीं मिल रही। अब बंदा दिमाग से चले ना, तो अनपढ़ भी 1000 रुपए कमा सकता है। देखा, और इस वीडियो में जो लोग कम पढ़े लिखे थे, 12वीं पास थे, और एक भाई साहब रिक्शा चलाते थे, और ये जो अभी भाई साहब सामने हैं, ये भी कम पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन इनमें मुझे अकल ज्यादा लग रही है। अब ये बोला जाता है ना कि अंधभक्त है, अब आपको खुद समझ में आ गया होगा कि अंधभक्त कौन है, और चमचा कौन है, और कौन है जो चाटुकारिता करता है, कौन है जो अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता, और कौन कहता है कि बेरोजगारी का जो ठीक रहा है वो सरकार के ऊपर डाल देना चाहिए। जो लोग
सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं और फिर बोलते हैं कि सरकारी नौकरी तो मिले और सरकारी नौकरी में भी उन्हें फिर इंसेंटिव्स चाहिए, उन्हें TA DA उनका बढ़ना चाहिए हर साल, उनको पेंशन भी चाहिए, उनको OPS NPS के पीछे भी रोते रहेंगे ये लोग, लेकिन ये कभी भी मेहनत नहीं करना चाहते। ये ऐसे लोग हैं जो आराम का खाना चाहते हैं, जो सिर्फ चाहते हैं कि बस उन्हें पढ़ाई करी और बस उनको नौकरी मिल जाए, उनकी काबिलियत ना देखी जाए, बस सरकारी नौकरी सरकार दे दे और फिर उसको उनको तनख्वाह भी अच्छी दे दे और उनको जो इनकी सारी सुविधाएं हैं OPS NPS इसके पीछे भी वो लोग भागते रहते हैं। ये एक रियलिटी है दोस्तों। जो बंदा मेहनत करना जानता है ना, वो अब आप देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जितनी लगी हैं आज, अगर आप बात करोगे माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक है, जो बिल गेट जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, वो कॉलेज ड्रॉप आउट था, उसने क्या सरकारी नौकरी की डिमांड करी थी? रतन टाटा, बिरला और ये जो बाटा है, बड़ी बड़ी कंपनियां, अंबानी, अदानी, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं जो लोग, उन्होंने अपने कॉलेज भी पास नहीं करा। अगर वो लोग सोचते कि अगर हमें भी सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी पता कौन डिमांड करता है? जो लोग मेहनत नहीं करना, जो चाहते हैं बस हमें बैठे बिठाए मिल जाए बस, और उनको अगर अपने घर से 10 किलोमीटर पर भी अगर उनके जो सरकारी नौकरी होगी वहां पर भी जाना पड़ जाए ना, तो उसका भी रोना रोते हैं, अरे भैया 10 किलोमीटर पे है, हमारे घर के पास नहीं है, उन्हें 10 किलोमीटर भी दूर लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब विदेशों में जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, बाहर की कंट्रीज में जा रहे हैं, वहां लेबर की जॉब कर रहे हैं, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कभी भी नौकरी का रोना नहीं रोते। एक रेड़ी वाला, एक समोसे वाला, एक रिक्शे वाला, वो कभी भी अपनी नौकरी का रोना नहीं रोता। वो उसे पता है ये मेरा अपना काम है, मैं दिन के चाहे 500 कमाऊंगा, चाहे 1000 कमाऊंगा, अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, चाहे सब्जी बेचूंगा। जो मेहनत करना चाहता है ना, वो सब्जी भी बेच सकता है। लेकिन कुछ ऐसे जो लोग हैं जो चाहते हैं बस उन्हें बना बनाया सब कुछ मिल जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि एक पढ़ा लिखा शख्स, अनपढ़ लोग उसे जवाब दे रहे हैं कि तुझे क्या करना है, इंटरव्यू तक वो पास नहीं कर पा रहे और कहते हमें नौकरी दे दो। अरे भाई, अपने अंदर भी तो काबिलियत जगाओ, अपने अंदर भी ऐसी काबिलियत जगाओ ना कि आपके आप 10 जगह इंटरव्यू दोगे तो आपको लोग रखने के लिए लालायित रहें कि भैया ये बंदा ही मुझे चाहिए। SMME जो कंपनियां हैं, जो स्मॉल स्केल कंपनियां हैं, उनके लिए भी सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, लोन की सुविधाएं हैं, लेकिन अब उनकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि स्मॉल स्केल बिजनेस हम कैसे बना सकते हैं, छोटे बिजनेस से कैसे शुरुआत की जा सकती है। तो MSME जो कंपनियां हैं वो जो किस तरह से काम करती हैं उनको भी स्टडी करना चाहिए। जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट का रोना रोते हैं, मेक इन इंडिया के अंतर्गत क्या सरकार ने बिजनेसेस के लिए कितना प्रमोशन आपको बोला है कि आप अपना बिजनेस लगाओ, आप स्किल, अभी स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात चल रही थी, तो भैया आपको स्किल्ड कैसे बनना है वो उसके लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन अब करने वाले नहीं है। जो पढ़े लिखे BA लोग हैं वो बोलते हैं कि हाँ नहीं नहीं भैया, हमें तो नौकरी ही चाहिए, नौकरी ही चाहिए, नौकरी ही चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों की जो मानसिकता थी ना, उनको उन्होंने कभी भी बिजनेसमैन क्रिएट नहीं करे थे। जो आज़ादी से जब हम गुलाम थे, जब भारत एक गुलाम देश था, वैसे तो मानसिक रूप से कोई गुलाम नहीं हो सकता, लेकिन हम अपने उनके गुलाम तो थे, लेकिन जब हम गुलाम थे तो उन्होंने हमें सिर्फ एम्प्लॉई बनाने के लिए ही तैयार किया। बच्चों को आज भी हम कोट मतलब टाई और वो सब पहनाते हैं अंग्रेजों के पॉइंट, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बंदे को हम नौकर ही बनाएंगे, हमने एंटरप्रेन्योर नहीं बनाए हैं। जब हमारी मौजूदा सरकार, मैंने देखा था मोदी जी ने कुछ एंटरप्रेन्योर की बात की थी, तो उन्होंने बोला कि एक छोटा समोसे वाला भी अपना बिजनेस करता है, उसको भी एक बिजनेसमैन की हैसियत देखो, तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, कह रहे हम चाय पकौड़े बेचेंगे, हम चाय पकौड़े थोड़ी बेचेंगे। तो समझो मानसिकता की बात है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा लोहार लोहार, बड़ा लोहार टाटा। तो भैया जो चमड़े का काम करता है ना, वो छोटा या बड़ा नहीं होता, काम से कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तो छोटा अगर आप बोलोगे तो छोटे वाले बंदे को क्या बोलोगे, बड़ा बड़ा लोहार को क्या बोलोगे, है ना? तो छोटा काम कुछ नहीं होता दोस्तों, बड़ा बड़ा काम भी छोटे से स्टार्ट होता है, और एक छोटे से काम से आप शुरुआत कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा करना है उनके लिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहने वाली है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।